हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने गार्डन में वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक गार्डनिंग के ऊपर ही है। आज मैं आपको अपने गार्डन का छोटा सा अपडेट दूंगी, साथ ही ये भी बताती जाऊंगी कि गार्डनिंग करने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गार्डनिंग एक शौक ही नहीं बल्कि सेहतमंद रहने का एक अच्छा तरीका भी है। गार्डनिंग को अपना करके आप हेल्दी रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गार्डनिंग करने के और क्या क्या फ़ायदे हैं। गार्डनिंग करने के दौरान हम प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, जिससे हमारी थकान और तनाव दूर होता है और हम रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स होने से ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, साथ ही इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। गार्डनिंग को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने से कार्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि गार्डनिंग सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेस बूस्टर भी है। रिसर्चों में साबित हुआ है कि गार्डनिंग करने से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहती हैं। पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। विदेशों में कई हॉस्पिटल्स में फिजिकल एंड मेंटल परेशानियों के लिए गार्डनिंग को एक थेरेपी के रूप में यूज़ किया जाता है। गार्डनिंग के दौरान हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं। प्लांटेशन करने, खुदाई, गुड़ाई, सिंचाई जैसी एक्टिविटीज़ करने से बॉडी की एक्सरसाइज होती रहती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। यह एक तरह की कार्डियक एक्सरसाइज का भी काम करता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप जिम में घंटों पसीना बहाने के बजाय गार्डन में थोड़ा मेहनत कर लें, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रफुल्लित रहेगा। कई रिसर्चों से ये साबित हुआ है कि मिट्टी में नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट माइक्रोब यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम वैक के नाम के माइक्रोब पाए जाते हैं, जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने और डिप्रेशन को कम करने का काम करते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन हैप्पी हार्मोन कहलाता है और जब बॉडी में इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आप खुशी महसूस करते हैं। अगर आप एक गार्डनर हैं तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी आप अपने हाथों से रोपे गए पौधों को बढ़ते हुए उसमें फूल या फल लगते हुए देखते हैं तो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है लेकिन आपके पास ज़्यादा जगह नहीं हो, तो आप गमले में भी छोटे छोटे औषधीय पौधे या हर्ब्स लगा सकते हैं, जैसे एलोवेरा, तुलसी, पुदीना और करी पत्ता जैसी औषधियाँ, जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप इन औषधीय पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाएं, इससे आपको पेस्टिसाइड फ्री ताज़ी हर्ब्स घर में ही मिल जाएंगी।
अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप थोड़ी एनर्जी और टाइम खर्च करके फलों और सब्जियों के पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इससे आपको बाजार से कम रेट में और केमिकल फ्री सब्जियां और फल मिल जाएंगे। मेरे पास जो गार्डन है उसमें मैंने कई सारे फलों और सब्जियों के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। देखिए अभी मेरा पपीता फल रहा है और मैंने कल ही भिंडी हार्वेस्ट की है। हर दो दिन बाद मेरी सब्जी के लिए भिंडी यहाँ से आराम से निकल आती हैं। आप भी अगर थोड़ी सी भी जगह है तो आप सब्जियाँ और फल ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। मैंने अपने गार्डन में करेले भी लगाए हुए हैं। करेले का जूस मैं एवरी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में लेती हूँ। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। गार्डनिंग करने से तनाव तो दूर होता ही है, साथ ही सीखने, समझने और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। गार्डनिंग करने से आप भावनात्मक रूप से भी खुश रहते हैं और पेड़ पौधों से जुड़ाव महसूस करते हैं। फूलों के खिलने, फलों के लगने से आपको आंतरिक खुशी होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अपने खाली समय का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है गार्डनिंग, क्योंकि इस काम में अगर आप एक बार जुड़ जाएंगे तो आपको समय का पता भी नहीं चलेगा और आप बोर भी होने से बच जाएंगे। तो देर किस बात की, अभी बरसात का मौसम चल रहा है जो गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। तो आप कुछ पौधे ले आइए और अपने गार्डन में या गमलों में लगा दीजिए। यकीन मानिए, गार्डनिंग इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। गार्डनिंग करने से आपको इतनी खुशी महसूस होगी जो आपको कोई और काम करने से नहीं मिलेगी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।